नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल SK क्लास में। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 18, साउंड प्रोडक्शन ऑफ साउंड। इस लेसन में हमें किसके बारे में पढ़ना है? साउंड के बारे में पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर ना कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं जिन्हें हम देख लेते हैं, जिससे आपको साउंड के प्रोडक्शन के बारे में पता चलेगा। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्या है, क्लैप योर हैंड्स टुगेदर, मतलब आपने क्या किया, अपने हाथों से ताली बजाई, ठीक है। फिर प्लेड अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, आपने क्या किया, किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को क्या किया, बजाया, ठीक है। फिर यहाँ पर बर्स्ट अ फायर क्रैकर, मतलब आपने क्या किया, पटाखे फोड़े। फिर फोर्थ क्या है, नॉक ऑन अ क्लोज डोर, मतलब कोई बंद दरवाजा था, आपने उसको क्या किया, नॉक किया। एंड विस्टल यूजिंग द कैप ऑफ अ पेन, आपने क्या किया, जो अब पेन का जो कैप होता है ना, उससे आपने सिटी बजाई, ठीक है। और फिर यहाँ पर सिक्स क्या है, प्लेस योर पाम ऑन अ मोबाइल दैट इज रिंगिंग, मतलब कोई मोबाइल बज रही है, ठीक है, तो आपने उसके ऊपर क्या किया, अपना पाम रखा, ओके। एंड एट्थ वन क्या है कि अ मेटल यूटेंसिल्स फेल डाउन विथ अ क्लैटर, मतलब क्या हुआ, कोई बर्तन है वो नीचे गिर गया, ठीक है। फिर उसके बाद देयर वॉज अ थंडर क्लैप इन द स्काई, मतलब जोर से क्या हुआ, बिजली चमकी। एंड लास्ट वन क्या है, पुट योर हैंड ऑन अ स्पीकर विच इज़ प्रोड्यूसिंग अ साउंड, मतलब आपने क्या किया, कोई स्पीकर है जो क्या कर रहा है, बज रहा है, ठीक है, और आपने उसके ऊपर अपना हाथ रखा, ठीक है। तो ये सभी एग्जाम्पल से आपको क्या पता चलता है, जब आपको आवाज़ सुनाई दे रही है, जैसे देखो क्लैप योर हैंड्स टुगेदर, जब आपने ताली बजाई तो आपको कुछ आवाज़ें सुनाई दी, है ना। जब आप ताली बजाते हैं तो उसकी आवाज़ हमें सुनाई देती है, तो ये क्यों होता है, वाइब्रेशन की वजह से होता है। किसी किसी में आप वाइब्रेशन को फील कर पाते हो और कभी कभी आप नहीं फील कर पाते हो। जैसे देखो वाइब्रेशन आप किस में फील कर सकते हो, जब आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कोई बजाते हो, ठीक है, तब आप वाइब्रेशन को फील कर सकते हो। और जब कोई मोबाइल है, जब उसकी रिंग बजती है, तो आप देखना जो मोबाइल है ना वो क्या होता है, वाइब्रेट होता है। और किसी किसी कंडीशन में आपको दिखाई नहीं देता कि, मतलब आपको समझ में नहीं आता, हाँ कि वो वाइब्रेट हो रहा है, लेकिन वो वाइब्रेट होता है। मतलब कोई भी साउंड अगर प्रोड्यूस होती है ना, तो उस ऑब्जेक्ट को वाइब्रेट होना जरूरी है, बिना वाइब्रेशन के साउंड प्रोड्यूस ही नहीं हो सकता। देखिए यहाँ पर यही लिखा है, वाइब्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नेसेसरी फॉर जनरेशन ऑफ साउंड, मतलब साउंड के जनरेशन के लिए वाइब्रेशन बहुत ही जरूरी है, ठीक है। जैसे स्पीकर में से आवाज़ कब आती है, जब वो वाइब्रेट होता है तब, ठीक है। तो आपको इतना याद रखना है, पूरा इतना मैंने आपको क्यों बताया, आपको पता चले कि ये जो साउंड है वो कैसे प्रोड्यूस होता है, वाइब्रेशन के थ्रू ही प्रोड्यूस होता है। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट हो, जब तक वो वाइब्रेट नहीं होगा तब तक उसमें से साउंड प्रोड्यूस नहीं होने वाली, ठीक है। तो ये जो लेसन है ना, इसमें हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। इन द प्रेजेंट लेसन वी विल लर्न मोर अबाउट वाइब्रेशन, पिच, इंटेंसिटी एंड लेवल ऑफ साउंड, ठीक है। तो ये तो हमने प्रोडक्शन ऑफ साउंड पढ़ लिया, क्या पढ़ा कि बिना वाइब्रेशन के साउंड प्रोड्यूस नहीं हो सकती, ठीक है। अब यहाँ पर एक और टॉपिक है, क्या है, पीरियोडिक मोशन। ये आपने सिक्स स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ा है, ठीक है, बहुत ही इजी है। पीरियोडिक मोशन मतलब क्या, जैसे देखो जो क्लॉक होता है, ये आपका क्लॉक है, ठीक है, और आप सपोज करो कि यहाँ पे मिनट वाली सुई है, अभी यहाँ पर है, ठीक है, जो मिनट वाली सुई है ना वो यहाँ पर है, तो ऐसे करके वो घूमते 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 आएगी, फिर यहाँ पर आएगी, ठीक है। इसी पॉइंट पे वो कितने मिनट बाद आएगी, बताइए, 60 मिनट बाद आएगी, है ना। 60 मिनट के बाद यहाँ पर वो पहुँच गई, फिर अगेन इस पॉइंट पर आने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, 60 मिनट लगेगा। मतलब इसका क्या हुआ कि वो एक ही पॉइंट से बार बार जा रही है और एक फिक्स्ड टाइम के बाद जा रही है। यहाँ पे हर बार 60 मिनट ही उसको लगेगा और वो बार बार एक ही पॉइंट से होकर के जाएगी, तो ये क्या है, पीरियोडिक मोशन है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है, ऑसिलेटर, ऑसिलेशन एंड ऑसिलेटरी मोशन। तो ये क्या होता है, देखिए जैसे आपने गार्डन में देखा होगा स्विंग होती है, ये देखिए झूला है ना, तो जब झूला स्टेशनरी पोजीशन में, मतलब जब वो एकदम, अभी देखिए ये कैसे एकदम सीधा है ना, तो आप क्या करो, यहाँ पे एक निशान लगा दो, ठीक है, एक यहाँ पे मार्क कर दो, और फिर जब वो झूला आगे पीछे जाता है तब आप देखोगे कि क्या होता है, इस पॉइंट से वो होकर के बार बार जाता है, ठीक है। तो इसी की हेल्प से हम समझेंगे कि ऑसिलेटर क्या होता है,
ऑसिलेशन क्या होता है और ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट देखिएगा, अ स्विंग दैट मूव्स बैक एंड फोर्थ लाइक दिस इज एन ऑसिलेटर। देखिए ये जो स्विंग है ये कैसे मूव करता है, एक बार आगे जाएगा पीछे जाएगा, आगे जाएगा पीछे जाएगा, क्या होता है ये बैक एंड फोर्थ होता है। तो ये क्या है, एक ऑसिलेटर है। ठीक है, जैसे आपने जो वॉच होती है, जो दीवार घड़ी होती है, उसमें ना पेंडुलम लगा होता है, तो वो भी क्या है, एक ऑसिलेटर है, क्योंकि वो एक बार इधर जाता है फिर इधर जाता है, मतलब वो भी बैक एंड फोर्थ होता है ना। तो वैसे ये जो स्विंग है ये क्या होगा, एक बार आगे जाएगा पीछे जाएगा, आगे जाएगा पीछे जाएगा, तो ये क्या है, एक ऑसिलेटर है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये ऑसिलेटर समझ में आया होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर, व्हेन द स्विंग मूव्स फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड रिटर्न्स टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट इट इज सेड दैट सेड टू हैव कंप्लीटेड वन ऑसिलेशन। मतलब क्या हुआ इसका, कि देखिए वन ऑसिलेशन कब होगा, जब ये जो स्विंग है, ठीक है, तो एक बार ये क्या हुआ, एक बार समझिए पीछे गया, ठीक है, फिर वो कहाँ पर आया, यहाँ पर आया, फिर से वो वहाँ पर गया। ठीक है, तो जब वो अपना एक पूरा कंप्लीट कर लेगा, देखिए यहाँ पर वही लिखा है कि व्हेन द स्विंग मूव्स फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड रिटर्न्स टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब जो स्विंग है वो एक एंड पर गया, ठीक है, फिर इधर गया, फिर से यहाँ पर आया, और फिर से ना वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर आ गया। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे कि उसने क्या किया, वन ऑसिलेशन कंप्लीट कर लिया। ठीक है, आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा होगा, रुकिए मैं आपको, जैसे ये पेंडुलम है, ठीक है, तो ये यहाँ पर है, एक बार ये इधर गया, ठीक है, ये पॉइंट ए है, बी है और सी है। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझिए, यहाँ से ये आ रहा है, ऐसे आया, फिर ये यहाँ पर गया, ठीक है, अभी फिर ये यहाँ पर आ रहा है, फिर ये यहाँ पर जा रहा है, तो ये क्या हो गया, वन ऑसिलेशन हो गया। मतलब इस ऑसिलेटर ने क्या किया, वन ऑसिलेशन कंप्लीट कर लिया। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, मतलब इस पॉइंट से वो शुरू हुआ और फिर वो एक बार पूरा राउंड पूरा करके इसी पॉइंट पर पहुंच गया, तो उसने क्या किया, वन ऑसिलेशन कंप्लीट किया। अब यहाँ पर हम देखते हैं ऑसिलेटरी मोशन, ये क्या होता है, ध्यान से देखिएगा क्या लिखा है यहाँ पर, द बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑसिलेटर ऑन आइदर साइड ऑफ अ सेंट्रल पोजिशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन किसे कहा जाता है, देखिए जैसे ये स्विंग है तो यहाँ पे आपने मार्क किया था, ठीक है, तो जब वो आगे जाएगा पीछे जाएगा, ठीक है, जब वो पीछे जाता है फिर आगे जाता है, तब आप देखोगे कि वो इस पॉइंट से होकर के जाएगा, है ना, जब मिडिल में आपने मार्क किया था, तो वो क्या होगा, जब पीछे जाएगा फिर वहाँ से आएगा, जब आगे की तरफ जाएगा तो वो उसी पॉइंट से होकर के जाएगा, है ना, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। देखिएगा यहाँ पर यही लिखा है, द बैक एंड फोर्थ ऑफ मोशन ऑफ एन ऑसिलेटर ऑन आइदर साइड ऑफ अ सेंट्रल पोजिशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, तो आई होप कि आपको ऑसिलेटर, ऑसिलेशन और ऑसिलेटरी मोशन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें एक और टॉपिक पढ़ना है, क्या पढ़ना है, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। तो ये क्या होता है, देखिए मैं आपको बताती हूँ, जैसे यहाँ पर मैंने ये देखिए ये बाउल लिया है, ठीक है, इसमें ना मैंने एक रबड़ लगा दिया है, देखिए आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, अब भी मैं इसको क्या करती हूँ, ये जो रबड़ है ना, मैं इसको ऐसे करके खींचती हूँ, देखिए यहाँ पर मैं इसको ऐसे करके खींच रही हूँ, ये जो है ना, ये क्या है, ये पॉइंट ए है, अभी मैं इसको ऐसे खींच रही हूँ, तो ये हो गया पॉइंट बी। ठीक है, तो इसके बीच में जो डिस्टेंस है ना, मैक्सिमम डिस्टेंस, इसे ही हम क्या कहेंगे, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। देखिए यहाँ पर ये लिखा है, द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिनल पोजिशन ए, मैंने आपको ओरिजिनल पोजिशन, मतलब ये क्या है, ए इसका ओरिजिनल पोजीशन है, और जब मैं इसको खींच रही हूँ, जब ये पोजीशन बी में जा रहा है, ठीक है, जब हम इसको क्या कर रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं, ऐसे खींच रहे हैं, तो ये पोजीशन बी में चला जा रहा है। ठीक है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा ना, उसे हम क्या कहेंगे, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। एक बार फिर से पढ़िए इसको, क्या दिया है, द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिनल पोजिशन ए एंड द पोजिशन बी ऑन स्ट्रेचिंग द रबर इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है, बहुत ही ईजी है आपको समझना, क्या देखिए, ये जब मैंने इसको खींचा तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है ना, मैक्सिमम डिस्टेंस, ये क्या हो गया, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। अब मैं इस रबर को अगर कम फोर्स के साथ इसको खींचती हूँ, तो इसका जो एम्पलीट्यूड है ये क्या होगा, कम हो जाएगा। अगर मैं इसको ज़्यादा फोर्स लगा करके खींचती हूँ, तो इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, इनक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया। उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे,
टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन एंड फ्रिक्वेंसी। तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होता है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, द टाइम रिक्वायर्ड बाई एन ऑसिलेटर टू कम्प्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेटर। मतलब क्या हुआ इसका कि ऑसिलेटर को वन ऑसिलेशन कम्प्लीट करने में जो टाइम लगता है उसे हम क्या कहते हैं, पीरियड ऑफ ऑसिलेटर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझ सकते हैं, यहाँ पर ये पेंडुलम है, ठीक है, तो देखिए ये पॉइंट बी टू ए, फिर ए टू सी आया, फिर सी टू ए गया और ए टू बी गया, तो ये क्या हो गया, वन ऑसिलेशन हो गया। तो इतने जाने में, मतलब बी टू ए फिर ए टू सी फिर सी टू ए और ए टू बी जाने में इसको जो टाइम लगा ना, वही क्या है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेटर, ठीक है। अब यहाँ पर सेकेंड क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, ये क्या होता है, देखिए द नंबर ऑफ ऑसिलेशन कम्प्लीटेड बाई एन ऑसिलेटर इन वन सेकेंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। मतलब ऑसिलेटर ने वन सेकेंड में कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशन कम्प्लीट किए उसे हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन कहते हैं। एक बार मैं आपको फिर से बताती हूँ, देखिए ऑसिलेटर ने वन सेकेंड में कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशन कम्प्लीट किए, ठीक है, कितने सेकेंड में, वन सेकेंड में, उसे हम क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन कहेंगे, ठीक है। देखिए इसका फॉर्मूला है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वन अपॉन टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, जिसे यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो वन अपॉन टी, और फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट है वो क्या होती है, हर्ट्ज होती है, क्या होती है, हर्ट्ज होती है, जिसे हम एच और जेड लिखते हैं, ठीक है, ये या आपको याद रखना है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हमने क्या क्या पढ़ा मैं आपको बता देती हूँ, हमने यहाँ पर प्रोडक्शन ऑफ साउंड पढ़ा, इसमें हमने क्या पढ़ा कि बिना वाइब्रेशन के साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है, ठीक है, मतलब साउंड प्रोड्यूस होने के लिए वाइब्रेशन नेसेसरी है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, पेरियोडिक मोशन पढ़ा, उसके बाद ऑसिलेटर ऑसिलेशन एंड ऑसिलेटरी मोशन पढ़ा, उसके बाद एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, फिर हमने पढ़ा टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन एंड फ्रिक्वेंसी। तो इस वीडियो में हम बस यहीं तक पढ़ेंगे, ठीक है, और जो बाकी के टॉपिक्स है जैसे कि हाई एंड लो पिच ऑफ साउंड, फिर इंटेंसिटी ऑफ साउंड, साउंड लेवल, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।